हाय, मैं हूं संजीव त्यागी। क्राइम पेट्रोल के और एपिसोड्स के लिए सेट इंडिया को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। ये नींबू तेरी सारी बला टाल देगा काकी। काकी, एक औरत तेरे बेटे को बरगला रही है। ये उसी औरत का खून है जो नींबू ने चूस लिया है। बाबा जी, आप धन्य हो, आपने तो सब जान लिया। बाबा जी, मेरा बेटा वापस कब आएगा? आ जाएगा, उसके लिए बड़ी पूजा करनी पड़ेगी। 51,000 लगेगा। तारा दीदी, ये किस पाखंडी की बातों में आ गई आप? छोड़, नहीं तो भस्म कर दूंगा तुम दोनों को। ये देखिए, ये है रसायन जिसका नाम है पोटेशियम परमैंगनेट। हाँ हाँ, इसको अगर चाकू पे लगा के नींबू को काट दिया जाए तो रासायनिक प्रक्रिया से नींबू का रस, ये देखिए, खून नहीं है, ये नींबू का रस लाल रंग का हो गया है। कोई चमत्कार नहीं है। ये पाखंडी सिर्फ धोखाधड़ी नहीं करता, पूरा पहुंचा हुआ अपराधी है। सब सच्चाई जानती हूं मैं इसकी। अरे क्यों मेरे पेट पर लात मारने चले आते हो? लात नहीं, तेरा तो ऐसा हाल करूंगी जो पुलिस भी नहीं कर पाई। 3 साल से ढूंढ रही हूं मेरे रणधीर को। बोल, कहां है वो? कहां है वो? क्या किया तूने? बोल, बता। मैं नहीं जानता। छोड़िए दादी की किताबें पढ़ना, वरना तेरा दिमाग भी ना तेरी दादी के जैसे खराब हो जाएगा। अरे भोला, बस अड्डे पे नहीं है तो किसी और गांव में छुपा होगा। ढूंढो उसे, मुझे किसी भी हाल में पता करना है कि मेरा बेटा रणधीर कहाँ है। दादी, क्या सच में पापा मिल जाएंगे? हाँ बेटा, सच में मिल जाएंगे। नहीं रोहन, दादी दिखावा कर रही है झूठ मूठ में फोन करने का। उनको पड़ी नहीं है तुम्हारे पापा की। बस कर अनीता, अगर रणधीर तेरा पति है तो मेरा बेटा भी है। आप भूल क्यों जाती हैं? रणधीर जी आपके सगे बेटे नहीं है। अगर आप में थोड़ी सी भी ममता होती ना तो ऐसे उनकी जान जोखिम में नहीं डालती आप। मैंने क्या खोया है वो तो कभी समझ नहीं पाई। पति और बेटे के बाद तुम दोनों ही तो हो जिनके लिए मैं जी रही हूँ। आप सिर्फ खुद के लिए जी रही हैं, आपको कुछ नहीं पड़ी है किसी की। चल रोहन। आपके जाने के बाद मेरा इम्तिहान बढ़ता ही जा रहा है। अमित, मैं तुम पे शक नहीं कर रही, पर वो तो कहूंगी ना जो मुझे लगता है। तुम्हें क्या लगता है मेरी जान? हा? मैं तो बस अपनी कलीग की हेल्प कर रहा था और तुम हो उसका उल्टा मतलब निकाल रहे हो। जो तुम्हारी कलीग है ना, उसकी ना इंटेंशन सही नहीं है। जिस तरह से तुम्हें वो देखती है ना, तुम्हें ना उससे बचने की जरूरत है। हो गया तुम्हारा? चलो अब ये बताओ तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है। तुम्हें पता है मैं क्या चाहती हूँ? कि तुम ना हमेशा सिर्फ मेरे बन के रहो, बिकॉज आई लव यू एंड यू आर माई स्ट्रेंथ। सॉरी दी, हम लोग बाद में आते हैं। अरे नहीं नहीं, रुको। अच्छा ये बताओ कि फाइनली तुम दोनों ने क्या डिसाइड किया? दीप, वी आर स्टिल कंफ्यूज। तुम दोनों को कैसे अकेला छोड़ सकती हो? आई नो दीप, अगर मॉम होती ना तो वो ना जरूर रिग्रेट करती, क्योंकि जीजू को आपके लिए रिजेक्ट कर दिया था ना उन्होंने। जीजू, आप तो ना बेस्ट हो। हर लड़की का सपना होता है कि आपके जैसा हस्बैंड मिले।
दी, यू आर वेरी लकी कि जीजू जैसे हस्बैंड है आपके। दी, अगर आप चाहती हो ना तो हम दोनों ना आपके साथ ही रहेंगे। सच्ची? अरे वाह, ये हुई ना बात, इस बात पर तो सेलिब्रेशन बनता है। सो लेट मी डू माय ड्यूटी, तो आज आपके पतिदेव और आपके जीजू आपके लिए सरप्राइज डिनर बनाएंगे। जल्दी 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 चलो चलो लेडीज, चलो चलो चलो। बहू, कौन था वो? अब रोहन के लिए ट्यूशन टीचर ढूंढ रही हूँ, उसी के लिए बात करने आया था। रोहन तो मार्केट गया है। जब वो यहाँ नहीं है तो तुमसे क्या बात कर रहा था? अब कहना क्या चाहती है अनीता? समझो, मेरी गैर मौजूदगी में कोई पराया मर्द इस तरह घर के अंदर आ जाए अच्छा नहीं लगता। आस पड़ोस वाले क्या सोचेंगे? दादी, ये देखो भोला भैया ने मुझे ये दिलाया। अरे वाह, तुम्हें पसंद आया? जाओ अंदर जाके खेलो। हा? क्या हुआ दादी, परेशान लग रही हो? परेशानी के अलावा मुझे मिला ही क्या है? मेरी तो आस ही मरती जा रही है। रणधीर कभी आएगा? बोला, कहीं रणधीर की आने की उम्मीद में हम अनीता और रोहन के साथ नाइंसाफी तो नहीं कर रहे? बेचारी 3 साल बिना पति के, कल को कोई ऊंच नीच हो गई तो? दादी ऐसी क्या बात हो गई, ऐसी बातें क्यों कर रही हो? आजकल तुम्हारा सिरदर्द कुछ ज्यादा नहीं रहने लगा? एक मिनट, तुम आजकल कुछ ज्यादा टेंशन तो नहीं ले रही हो? हैं? टेंशन तो होगा ही ना, अब दो दो बहनें हैं घर पर, उनके फ्यूचर के बारे में भी तो सोचना है। अरे तुम तो अभी से उनकी माँ बनने लगी। देखो, उनका फ्यूचर तो इम्पोर्टेंट है लेकिन तुम्हारी सेहत भी तो बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर तुम इतनी टेंशन लोगी तो तुम्हें भी तो माइग्रेन हो जाएगा। थोड़ा सा अपना ध्यान रखो वरना मेरा ध्यान कौन रखेगा? ओके। हाँ तो प्रॉमिस करो। क्या कर रही है? अरे दीदी जीजू को बेडरूम में झांक कर देख रही है। अरे पर दीदी, वो मैं देख रही थी कि जीजू ना दीदी को कैसे प्यार से मसाज करते। हाँ तो तेरे सर में दर्द हो गया बेवकूफ, जीजू क्या सोचते तेरे बारे में? चल जा, अब जाके सो जा, मैं किसी को नहीं बताऊंगी। लो जी, तुम्हारी हेड मसाज हो गई पूरी, सो जाओ जल्दी से। ओके। और मैं ऊपर जाकर टेरिस से सूखे कपड़े लेकर आता हूँ, ठीक है? ठीक है। अरे आप यहाँ सोए नहीं? अरे नहीं, बस मैं वो कपड़े लेने के लिए आया था, लेकिन तुम इस वक्त यहाँ पर। वो कहते हैं ना कि इंसान मरने के बाद तारा बन जाता है, तो माँ भी तो बस, माँ की बहुत याद आ रही थी। हाँ, और वो तो मैं वहां से देख रही होंगी। प्रीति, मेरा मानना यह है कि तुम्हें अपनी लाइफ में ना कुछ अच्छा करना चाहिए ताकि तुम्हारी माँ को तुम्हारे ऊपर प्राउड फील हो। मैं क्या ही करूंगी, मैं तो एकदम सिंपल लड़की हूँ। अरे जो सिंपल होते हैं वही तो स्पेशल करते हैं प्रीति। और मैं दिल से चाहता हूँ कि तुम रुचि गीतिका अपनी लाइफ में कुछ अच्छा, कुछ बड़ा अचीव करो। आप कितने सपोर्टिव हैं, आपकी बातें सुनती हूँ ना तो ऐसा लगता है कि घंटों तक बस आपको सुनती रहूं। अब आपका मोटिवेशन मुझे बहुत प्यारा लगता है। अब मुझे लगता है कि तुम्हें जाकर सो जाना चाहिए, मैं कपड़े लेकर आता हूँ। जीजू, अभी तो आप जाने बोल रहे थे और अब? सॉरी, मुझे लगा कि आप। जैन सर, आइए। वो दादी की गौशाला है पास में, तो कई बार वो रात को वहीं रुक जाती थी। तुम्हारी दादी के अलावा घर में और कौन कौन है? सब, मैं और मेरा बेटा। ये उनका पोता नहीं है सगा, ये हमारा सर्वेंट है। हाँ साहब,
मुझे अनात को उन्होंने बड़ा किया है और रणधीर भैया को भी वो अपना बेटा ही मानती थी। रणधीर कौन? अनिता भाभी के पति। सर हम 3 साल से इंतजार कर रहे हैं रणधीर जी के वापस लौट आने का। इंतजार कर रहे हैं मतलब कहाँ चले गए? ये पक्का अनुराग बाबा का ही काम है, उसको पहले भी पुलिस ने छोड़ दिया था। अब ये अनुराग बाबा कौन है? ढोंगी है साहब, दादी को लगता था कि दादा को उसने ही मारा है और रणधीर भैया को भी उसी ने ही गायब किया है और अब दादी को भी। सर गांव वाले भी इस अनुराग बाबा का ही नाम ले रहे हैं, कह रहे थे कि एक हफ्ता पहले उसे गांव में देखा था और गौतमी जी ने उसके अंधविश्वास का भांडाफोड़ किया था। लेकिन सर ये अनीता और भोला तो गौतमी जी के बेटे पति इन सबकी कहानियां सुना रहे हैं। पर इनमें कोई भी गौतमी जी का सगा नहीं। पता करो गौतमी जी के ब्लड रिलेशन में और कौन कौन था, और ये भी पता करो कि ये लोग गौतमी जी के पति की मौत को हत्या क्यों बोल रहे हैं। सब ठीक हो जाएगा, अभी डॉक्टर आते ही हैं। इनका बुखार तो बढ़ते ही जा रहा है, क्या हुआ? माँ डॉक्टर साहब तो दूसरे गांव गए हैं, उन्हें आने में टाइम जाएगा। तो इन्हें अस्पताल लेके चलते, देखो इनकी सांस भी कितनी भारी हो रही है, उठाओ इनको। अरे भाई साहब। अरे भाभी जी क्या हुआ? इनको डॉक्टर के पास लेके जा रहे हैं। अरे डॉक्टर के बस का नहीं है भाई साहब का इलाज, मैंने बोला था ना इन पर किसी की बुरी नजर का साया है। ये अनुराग बाबा इन पर पड़ी सारी बुरी नजर निकाल देंगे। देखिए पहले ही आपने देसी इलाज के चक्कर में इनको फंसा दिया और अब ये बाबा, इनकी हालत तो देखिए, इनको डॉक्टर की जरूरत है। चाचा जी पापा को अस्पताल लेके जाना पड़ेगा। अरे रुकिए रुकिए, पहले मुझे देखने दीजिए, क्योंकि मैं वो कर सकता हूँ जो कोई डॉक्टर वैद्य नहीं कर सकता। अरे इनके ऊपर तो किसी बुरी आत्मा का साया है, देखा कहा था ना मैंने। अरे क्या बकवास कर रहे हैं ये। भाभी जी वो मेरे भी बड़े भाई हैं, मुझे भी चिंता है उनकी, और बाबा सब ठीक कर देंगे। हाँ जरूर, अंगारे का इंतजाम करो। माँ दादी मिली? कहाँ है वो? दादी बहुत दूर चली गई है हम सबसे, बहुत दूर चली गई है। बोल दीदी, बोल, कुछ तो बोलेगी या नहीं बोलेगी? सॉरी दीदी गलती हो गई। अरे कौन है वो, किसने तुझे प्रेग्नेंट किया बता, तुझे पता है अगर बाहर किसी को पता चल गया तो हमारी कितनी बदनामी होगी? हाँ अरे कुछ तो बोल। देख जीना मुझे कुछ नहीं बता रही है, पर तुझे तो पता होगा ना, पता कौन है इसका बॉयफ्रेंड बता। दी मुझे सच में कुछ भी नहीं मालूम। तुझे नहीं मालूम, इसको नहीं मालूम, तो किसको मालूम है? हाँ सर, सर रणधीर की मिसिंग कंप्लेंट 3 साल पहले फाइल हुई थी, जबकि दशरथ की मौत अनुराग के गायब होने से 6 महीने पहले हुए थे, लेकिन तब गौतमी जी ने कोई केस नहीं किया था। पर उस लड़के भोला का कहना था कि गौतमी जी के पति की हत्या हुई। सर ये बात तो गौतमी जी ने रणधीर के गुमशुदा होने पर पुलिस को बताई थी, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि शायद अनुराग ने उनके पति को मारा। तो फिर रणधीर गायब कैसे हुआ? सर रणधीर के घर वालों के मुताबिक रणधीर भोला के साथ कहीं पर गया था, और भोला का कहना है कि रणधीर को आखिरी बार किसी का कॉल आया था जब वो लोग जंगल गए थे। क्या इसकी तो आता हूँ। ए भोला। हाँ क्या हुआ रणधीर भैया? वो अनुराग बाबा को पता चल गया, गांव के बाहर जंगल छुपा है। क्या बात कर रहे हो? सच में छोड़ेंगे इस साले को आज। चल तू बेटा, अनिता मैं आता हूँ। साहब हम जंगल गए जरूर थे, लेकिन अनुराग बाबा कहीं दिखा नहीं। तो रणधीर कैसे गया? अनुराग बाबा को ढूंढते हुए हम अलग हो गए थे। तू वहां देख, मैं यहां देखता हूँ। और फिर अचानक से रणधीर भैया की चीखने की आवाज सुनाई दी, और पता नहीं वो कहीं गायब हो गए। मुझे पक्का यकीन है अनुराग बाबा ने ही कुछ किया होगा। पिछली इन्वेस्टिगेटिंग टीम के मुताबिक रणधीर को आखिरी कॉल किसी फेक आईडी के नंबर से किया गया था, उसके बाद वो भोला के साथ अनुराग को ढूंढने के लिए गया और तब से वो गायब है। पिछली इन्वेस्टिगेटिव टीम ने भी अनुराग को कस्टडी में लिया था सर, लेकिन उसके खिलाफ कोई सबूत नहीं मिला तो उसे छोड़ दिया गया। सर वो अब भी टोने टोटके की दुकान चला रहा था अपनी,
और ये भी कंफर्म है कि गौतमी की हत्या से एक हफ्ते पहले वो गांव में दिखा था जहाँ पे गौतमी ने उसका भांडा फोड़ दिया था। ढूंढो इस अनुराग बाबा को और वो गौतमी का देवर। सर वो तो गौतमी की मौत के बाद अपने परिवार के साथ नोएडा शिफ्ट हो गया। उसकी भाभी का कत्ल हुआ, उसे यहाँ आना चाहिए था लेकिन वो नहीं आया। कोई बात नहीं, वो नहीं आया तो उसको हम यहाँ लाएंगे। उठाओ उसको। देखा नहीं था, अब इन बातों का कोई फायदा नहीं है। क्यों फायदा नहीं है? पिताजी के जाने के बाद माँ जी से जायदाद के लिए झगड़ा करने लगे, आज ही से ज्यादा प्रॉपर्टी हड़प ली। माँ जी को अंदाजा था कि रणधीर जी को आपने गायब किया है और पिताजी भी आपकी वजह से। पिताजी माँ जी तो ऐसे कर रही है जैसे तू बड़ा मानती थी उन्हें, जबकि सच्चाई ये है कि तू और रणधीर तो सगे भी नहीं थे उनके। इसी बात की तो चिढ़ है आपको कि हम आपके वारिस कैसे बन गए। देखा नहीं था, जो कुछ बचा है गौतमी का सब तेरा हो जाएगा, बस पुलिस के आगे मेरे खिलाफ कोई जहर मत बोलना। तो आप दादी के दुश्मन से बात कर रही थी, तू कहना क्या चाहता है? दादी ने हमें बताया था कि आपका चक्कर चल रहा है किसी के साथ। अपनी हद में रह भोला, समझा? उस बेवकूफ को 2 महीने से पीरियड्स नहीं आए हैं और 2 महीने से ज्यादा की प्रेगनेंसी हो गई है। अब डॉक्टर ने कहा है कि उसकी हेल्थ कंडीशन देखते हुए उसको अबॉर्शन नहीं कर सकते हैं। रुचि, गुस्सा करने से क्या होगा बताओ? हाँ, अब देखो हमें ही मिलकर कोई ना कोई सॉल्यूशन निकालना होगा इस बात का। रुचि, कहीं ये हमारे लिए ब्लेसिंग्स तो नहीं? अमित, क्या कहना चाहते हो तुम? देखो रुचि, बुरा मत मानना, तुम अभी कंसीव नहीं कर पा रहे, तो हम प्रीति के बच्चे को भी तो अपना बच्चा समझ कर पाल सकते हैं ना? उसके लिए तो उसे 9 महीने के लिए बच्चे को कैरी करना पड़ेगा। उसकी शादी नहीं हुई है अमित, लोगों को हम क्या जवाब देंगे? अरे इस वक्त तुम्हें सबसे ज्यादा अपनी बहन की चिंता करनी चाहिए और तुम यहाँ लोगों की चिंता कर रही हो। इस वक्त सबसे ज्यादा सपोर्ट तुम्हें करनी चाहिए। अगर वाकई में हम उस बच्चे को अपनाते हैं तो तुम्हें। रुचि, तुम कहना क्या चाहती हो? ये क्या बोल रही हो आप दीदी? मैं आपके पति के साथ? देख प्रीति, तू उस लड़के का नाम नहीं बता रही है तो इसका मतलब तो यही है ना कि उस लड़के ने तुझे धोखा दिया है और कोई दूसरा लड़का तुझे इस कंडीशन में अपनाएगा क्या? नहीं ना। लेकिन अमित, अमित तुझसे दूसरी शादी करने के लिए तैयार है। दीदी, दीदी ये सब क्या बोल रही हो आप? आप दोनों इनकी? देख गीतिका, तू अभी छोटी है, तुझे किसी बात की कोई समझ नहीं है, प्रीति की भलाई इसी में है। देखो अमित, मेरे लिए कुछ भी कर सकते हैं, इसीलिए वो प्रीति के साथ दूसरी शादी करने के लिए तैयार है। अरे गीतिका, सुदर्शन तो पूरे परिवार के साथ गायब है। गायब है? हाँ सर, उसके नोएडा वाले फ्लैट में ताला लगा है और उसका फोन भी स्विच ऑफ है। तो क्या सुदर्शन गौतमी के मर्डर में शामिल है? सर, सुदर्शन का गौतमी के पति के मर्डर के बाद से ही जायदाद के बंटवारे को लेकर झगड़ा चल रहा था और तभी से रणधीर भी गायब। सर, गौतमी की पोस्टमार्टम रिपोर्ट, इस रिपोर्ट के मुताबिक गौतमी के साथ हुआ था। और सिर्फ भी नहीं, मारने से पहले उनको बुरी तरह टॉर्चर भी किया गया था सर। उनकी बॉडी पर कई जगह वार भी किए गए थे। चौंकाने वाली बात यह है कि गौतमी के शरीर पर जहाँ जहाँ घाव है वहाँ पर 4-4 स्टेबिंग मार्क्स एक साथ नोटिस हुए। लगता है क्रिमिनल ने कोई ऐसा नुकीला हथियार इस्तेमाल किया जिसमें 4 नोक थे। और ये क्रिमिनल किस मेंटेलिटी का था? बुजुर्ग औरत के साथ। गौतम का नौकर भूला अचानक से गायब हो गया। पड़ोसियों ने आखिरी बार उसे गौतमी के घर में देखा था, लेकिन अनीता का कहना है कि उसे कोई आइडिया नहीं है कि भोला इस वक्त कहाँ पे है। देखिए, रोहन ऐसी हालत में नहीं है कि ट्यूशन ले पाएगा, आप कुछ दिन मत आइए। जी। पता नहीं इस घर में हो क्या रहा है। गीतिका, गीतिका। प्रीति, तुम्हें सोचना चाहिए ना, गीतिका भी इसी घर में रहती है। तो देख, गीतिका को भी तो समझना चाहिए ना, अमित मेरे भी पति है। गीतिका,
क्या मैं क्या है गीतिका, क्या तुम मुझसे नाराज हो? मुझे मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा है। मन कर रहा है कि कहीं चली जाऊं। मुझे भी ऐसे ही लगा था गीतिका, जब अचानक से रुचि मेरी और प्रीति की शादी करवाने के लिए अड़ गई थी। गीतिका, कहना बहुत आसान है, लेकिन मेरी जगह पर आकर देखो ना, तो मैं रुचि को हर्ट करना चाहता था, ना ही प्रीति के साथ ऐसा कुछ गलत होते हुए देख सकता था। गीतिका, तुम खुद सोचो ना, वो 2 महीने की प्रेग्नेंट थी। अगर मैं उसका साथ नहीं देता तो कौन उसका साथ देता? क्या प्रीति उस बच्चे के साथ पूरी दुनिया के साथ लड़ पाती? मैं तो खुद फंसा हुआ इंसान हूं, कोई मुझे समझने वाला नहीं है। किससे जाकर अपनी प्रॉब्लम्स को शेयर करूं मैं, किससे अपनी मन की बात शेयर करूं? प्लीज प्लीज ऐसा मत बोलिए, मैं कभी भी आपकी सिचुएशन जज ही नहीं कर पाई। क्या हुआ? प्रीति, प्रीति तुम ठीक हो? तुम्हें सीढ़ियों पे आने के लिए मना किया था ना? इसको डॉक्टर के पास दिखाना पड़ेगा। क्या लगता है आपको, भला गायब क्यों हुआ होगा? क्या सबके पीछे वो हो सकता है? आपको शक है उस पर? सर, शक तो मुझे उस पर उसी दिन से था जब रणधीर जी के साथ वो अनुराग बाबा को ढूंढने गया था। सर, मैं क्या ही बोलती, माँ जी उसे अपना सगा पोता मानती थी। सगी तो आप भी नहीं, मेरा मतलब रणधीर भी तो गौतमी के मुंह बेले बैठे थे ना। आप कहना क्या चाहते हैं? कहना नहीं, जानना चाहता हूँ कि आखिर ये मामला क्या है। आपके फैमिली मेम्बर्स में से जितने भी लोग हैं, एक एक करके या तो गायब हो रहे हैं या मर रहे हैं, लेकिन आप एकदम जिंदा सही सलामत खड़ी, ना तो गायब हुई हैं। सर, आप बेवजह शक कर रहे मुझ पर, जबकि माँ जी के सबसे बड़े दुश्मन तो सुदर्शन चाचा थे। सर, मुझे तो लगता था कि ये भोला ना रहता माँ जी के साथ था, पर काम सुदर्शन चाचा के लिए करता था। कैसा काम? उनको यहाँ की सारी खबरें देना। सर, रणधीर जी के गायब होने के बाद उनका हौसला और भी बढ़ गया था। क्या भाभी, आप तो बेकार में अनुराग बाबा के पीछे पड़ गई। लाए तो तुम ही थे ना उसको। बकवास मत करो, मैं आया था ना आपका दुख बांटने के लिए, अब मुझे दोषी बना? नहीं, तुम आए थे मेरे जख्मों पर नमक छिड़कने। तू पागल हो गई है बुढ़िया। ए अनिता, संभाल इसको, भाई साहब के भी यही लक्षण थे मरने से पहले। हमें तो पता चला है कि सुदर्शन ने गायब होने से पहले आखिरी कॉल आप ही को किया था। सर, वो माँ जी की मौत पर घड़ियाली आंसू बहा रहा था, वो बहुत कमीना आदमी है। सर, अनुराग बाबा का पता चल गया है, वो मनोरी गांव में रह रहा है आजकल। ठीक है सर। हमने तो सोचा था कि प्रीति का बच्चा आएगा ना तो हम सबकी खुशियां लौट आएंगी। सर, अनुराग बाबा। हाँ, बाहर आ जा। मैं भला गौतमी को क्यों मारूंगा साहब? मारेगा क्योंकि वो तेरे पीछे पड़ी हुई थी। गौतमी नहीं, रणधीर को भी तूने गायब किया, तूने मारा उसको? अरे नहीं साहब, मैं तो उस वक्त गांव में था भी नहीं। तो गांव में ही था, पिछली पुलिस साबित नहीं कर पाई क्योंकि उनके पास कोई सबूत नहीं था। तुझे छोड़ दिया तो तेरे हौसले और बढ़ गए। तूने बुजुर्ग औरत को सिर्फ मारा ही नहीं, उसका भी किया। अरे नहीं साहब, मैं इतना गिरा हुआ आदमी नहीं हूँ, लेकिन जब से रणधीर गायब हुआ है वो औरत अपने पति की मौत का इल्जाम मुझ पर मढ़ रही है। अब आप ही बताइए, जरा से मिर्ची के धुएं से कोई मरता है क्या भला? मिर्ची का धुआं? तू तो दावा करके आया था ये बच जाएगा। अरे साहब, मैं तो थोड़े मोड़े टिकड़म करके अपनी जेब भरना चाहता था, लेकिन वो आदमी तो पहले से ही अधमरा था और उसके पूरे शरीर में जहर फैल चुका था। जहर? हाँ साहब, मैं उसके चेहरे को देखते ही समझ गया उसे कोई ऐसी चीज खिलाई जा रही है जिससे वो बीमार पड़ गया। मुझे तो लगा उसे दिया जाता होगा। क्या नाम भैया? क्या साहब? एक जहरीली जड़ी बूटी है, थोड़ा थोड़ा अगर किसी को दो तो वो स्लो पॉइजन का काम करती है, और ये बात मैंने पहले भी पुलिस को बताई थी लेकिन उन्होंने मेरी बात का भरोसा ही नहीं किया। स्लो पॉइजन? जरा स्लो को छोड़, थोड़ा फास्ट हो। अब ये बता, ये जहर उसे दे कौन रहा था? मैं तो नहीं दे रहा था साहब, उसके घर वाले ही देते होंगे ना।
तुझे बुलाने सुदर्शन आया था ना, फैमिली मेंबर है ना वो भी, घर वाला। हाँ बोल, सुदर्शन के साथ तेरी क्या साठ गांठ है? अरे साहब मेरी कोई साठ गांठ नहीं चल रही है, मैं तो 4 साल से मिला भी नहीं। आप इतनी देर रात तक भी काम करते हैं? हाँ करना पड़ता है। ये लीजिए। क्या हो गीतिका, क्या सोच रही हो? वो मैं जब भी आपके बारे में सोचती हूँ ना, आपने अपनी सिचुएशंस को कितना पॉजिटिवली लिया। लाइफ में तो पॉजिटिव होना ही चाहिए ना गीतिका। वो मुझे समझ में ही नहीं आ रहा, मेरे माइंड में जो थॉट्स चल रहे वो नेगेटिव है या पॉजिटिव, मैं खुद को जज ही नहीं कर पा रही हूँ। ऐसी क्या बात है? आपने समाज की परवाह किए बिना प्रीति दीदी और रुचि दीदी को, अगर मैं आपसे कहूँ कि हाँ बोलो ना, I really like you। ये अनुराग बाबा हमें घुमाने की कोशिश कर रहा है, 4 दिन लॉकअप में रहेगा, पकड़ ठिकाने आ जाएगी, DNA लो इसका। ओके सर, लेकिन सर अगर इसकी बातों में जरा सी भी सच्चाई है तो क्या वाकई में गौतमी के पति को स्लो पॉइजन दिया जाता होगा? सर अगर ऐसा था तो क्या वो सुदर्शन हो सकता है? क्योंकि दशरथ के मौत के दौरान वो गांव में ही रहता था और रणधीर के गायब होने में भी उसका फायदा है, और सर गौतमी के मौत के बाद वो पूरी जायदाद का अकेला दावेदार हो जाएगा, और सर इस अनीता को तो इसलिए कुछ नहीं मिलेगा क्योंकि उसका पति रणधीर गौतमी का सगा बेटा था ही नहीं। ये सारा गेम अनीता खेल रही है। लेकिन सर सुदर्शन के साथ तो ये भोला भी गायब है। हाँ पर सवाल ये है कि भोला खुद गायब हुआ या उसे गायब किया गया, क्योंकि उस घर के सारे राज जानता था। सर हमने भोला की सीढ़ियाँ चेक की है, उसका फोन आखिरी बार उमरिया गांव में बंद हुआ था और उसने आखिरी कॉल अंजलि नाम की लड़की को किया था। कौन है अंजलि? ये दोनों आपसे शादी कर सकते हैं लेकिन मैं नहीं। दीपिका बस कर प्लीज। क्यों? अमित जी 2 शादियां कर सकते हैं ना, तो फिर तीसरी क्यों नहीं? सर कमें। सर अंजलि का पता चल गया जिससे भोला की आखिरी बार बात हुई थी। सर इस अंजलि की कुछ दिनों पहले ही शादी हुई है और उसके माँ बाप से पूछताछ करने के बाद उन्होंने भोला के बारे में कुछ भी बताने से इनकार कर दिया। सर वो तो कह रहे थे कि वो तो भोला को जानते ही नहीं, जबकि उनकी बेटी की भोला से काफी बात होती थी। तो क्या भोला का उस लड़की से अफेयर था? सर ऐसा ही लग रहा है क्योंकि भोला का फोन उमरिया गाँव में बंद हुआ था उस लड़की की शादी से 1 दिन पहले। पर इन सब बातों का गौतमी के मर्डर से क्या ताल्लुक? सर कुछ समझ में नहीं आ रहा, मैंने खबरियों को काम पे लगाया है, वो अंजलि की फैमिली और भोला के बारे में पता कर रहे हैं। सुन, ये ले सर सामान और ये कैश, यहाँ से निकल जा, कहीं दिखना नहीं चाहिए। अगर किसी पुलिस वाले पास गया तो मुझसे बुरा कोई नहीं हुआ। रुक, गौतमी का मर्डर करने के बाद यहाँ चुप के बैठा हुआ? नहीं सर, मैंने नहीं मारा है दादी को, वो तो अंजलि के बाप ने मुझे कमरे में बंद करके रख दिया था। अच्छा? सच कह रहा हूँ सर, अंजलि तो मेरे साथ भागकर शादी करना चाहती थी लेकिन उसके बाप ने मुझे पकड़ कर रख दिया और उसकी शादी करवा दी। सर रोतेला गांव के बाहर और एक औरत का मर्डर हुआ है। औरत की बॉडी पे वैसे निशान है जैसे गौतमी जी की बॉडी पे थे। सर इनकी हालत देख के तो लग रहा है कि शायद इनके साथ हुआ है। कौन है दरिंदा जो एक के बाद एक बुजुर्ग औरतों को अपना शिकार बना रहा है? कहने का मतलब क्या है? तू छोटी है तो तुझे 3 दिन मिलेंगे। देखो
तीन दिन मुझे मिलेंगे क्योंकि मैं बड़ी हूँ, बस बात। अरे पर आप लोग तो अम्मी जी के साथ पहले ही वक्त गुजार चुके हो ना, तो मुझे मिलेंगे देना भी। अरे पर ऐसा थोड़ी होता है, हम ही प्यार करते ना उनसे। अरे चुप करो यार, चुप करो। तुम तीनों ने रिलेशन खुद से एक्सेप्ट किया था कि नहीं? किया था ना, तो फिर क्यों लड़ रहे हो? देखो ऐसा नहीं चलेगा, हम लोगों को जिंदगी भर साथ में रहना है, तो एक दूसरे की फीलिंग्स की रिस्पेक्ट करनी होगी। सर पूछताछ में एक बात पता चली, गांव के बाहर रूपाली का मर्डर हुआ था, वहां पे एक चाकू की धार लगाने वाले को दिखा गया। कौन हो? साहब मुझे क्यों पकड़ा है आप लोगों ने? मैंने कुछ नहीं किया, मैं तो गांव जा जाकर चाकुओं की धार लगाता हूँ। मेरी बात ध्यान से सुन, हम एक ऐसा आदमी ढूंढ रहे हैं जिसने कई औरतों का कत्ल किया, और जो हथियार उसने इस्तेमाल किया है उसकी चार नोकें हैं। तेरे पास कोई ऐसा चाकू है जिसकी चार नोक है? नहीं साहब, ऐसा तो कोई चाकू नहीं है, लेकिन एक दिन की बात थी, एक आदमी आया था वो जानवर माफिक दिखने वाले पंजे की धार लगाने। पंजा? हाँ साहब पंजा, और वो नाखूनों के बीच चार चूड़ियां गाड़ी हुई थी। कौन है वो? पहले कभी देखा तो नहीं था। उम्र क्या थी उसकी? होगा 25-30 साल का। चेहरा याद है उसका? स्केच बनवा सकते हो? बहुत टाइम पहले की बात थी साहब, चेहरा तो याद नहीं है। बिना बताए शहर से बाहर मत जाना, समझे? हाँ साहब। इसका डीएनए लो और जाने दो सर। साहब साहब मैंने कुछ नहीं किया है साहब। पर नमस्ते मौसी, पहचाना? कैसे पहचानोगे, 10 साल बाद आया हूँ ना। मम्मा मम्मा ये आपको क्या हो गया मम्मा? दीपक आलो। मुझे नहीं पता था कि मैं इतनी जल्दी चली जाऊंगी, बस मेरे बेटे का ध्यान रखना। दीपक बेटा तू? मेरी माँ के मरते ही तो तुम लोगों ने अपना असली रंग दिखा दिया। दीपक आज फिर से तुम्हारी स्कूल से शिकायत आई है, तुमने एक बच्चे की नाक तोड़ दी। तो मौसी आपको इससे क्या मतलब? उसने मुझे माँ की गाली दी थी। दीदी दिन ब दिन ना ये बदतमीज होता जा रहा है, इससे अच्छा होता कि दीदी अपने साथ तुम्हें ले जाते, हमारा तो पीछा छूटता। क्या बोली, क्या बोली मेरी माँ के लिए? अरे क्या बोला तूने? छोड़ो उसे, हम दोनों भी ना तुम्हारी माँ है, समझे? तो मुझे मारा शर्म कर, पहले अपने बाप को मार दिया और फिर मारा नहीं था, वो एक्सीडेंट था, पर तुम लोगों ने मुझे 12 दिन तक टॉर्चर किया। हेलो हेलो पुलिस स्टेशन, मुझे जेल भिजवा दिया, मेरी जिंदगी खराब कर दी तुम दो औरतों ने मिलके। सर ये दीपक की डीएनए रिपोर्ट, उसका डीएनए रूपाली गौतमी और वृंदा की बॉडी पर मिले डीएनए से मैच हो रहा है सर। तो मतलब दीपक ने उनका मर्डर? यस सर, और दीपक ने बचपन में अपने माँ बाप को भी मारा है, और उसके बाद 3 साल बाल सुधार गृह में भी रहकर आया वो। अभी कहाँ है दीपक? बोल क्यों मारो? बोल। मेरी कोई गलती नहीं है साहब, क्या जरूरत है मेरे बाप को 3-3 शादी करने की? 3 माँ और 1 बाप की अनाथ औलाद बन के रह गया था मैं, और जितने भी खून हुए हैं ना वो मैंने नहीं किए, मेरे अंदर बैठे हुए मेरे बाप ने किए। तेरे बाप ने किए ना, और बाकी औरतें जिनका मर्डर और तुमने किया, क्यों? क्योंकि उन सब औरतों में मुझे मेरी माँ दिखी, और जब जब कोई औरत में मुझे माँ दिखेगी ना मुझसे रहा नहीं जाएगा। कैसा है? दीपक का कहना है कि उसने ये सब बदला लेने के लिए किया, अपने पति अमित का गुस्सा रुचि और प्रीति ने अपने सौतेले बेटे दीपक पर निकाला, और उसी का बदला लिया दीपक ने अपनी दोनों सौतेली माँ को मारकर। दरअसल जुर्म जुर्म होता है, मुजरिम अपने हक में कितनी भी दलीलें दें, कितने भी लफ्ज कहे, बदला अत्याचार कुछ भी कहे, उसे जायज नहीं ठहरा सकता, और ना ही इन लच्छेदार लफ्जों से उसे दुनिया की किसी भी अदालत में जायज ठहराया जा सकता है। इस केस की तहकीकात के दौरान हमें गौतमी के पति और बेटे के केसेस में भी ब्रेक थ्रू मिला, उन दोनों का मर्डर हुआ था और वो मर्डर किए थे गौतमी के देवर सुदर्शन ने। जब हमने सुदर्शन को अरेस्ट किया तो उसने ये दोनों जुर्म कबूल किए,
चाहे। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।